अच्छा, जो लास्ट लीगल का लेक्चर था उसमें हमने एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात की थी। अब हम उस एनर्जी एक्सपेंडिचर को मैयर कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो आप जो है वो फॉर्मूला लगा के मैयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट जो हम एनर्जी का लेते हैं वो कैलरी में लेते हैं, और कैलरी की डेफिनेशन क्या है कि वो हीट अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें रिक्वायर होती है किसी भी वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। जो 15 डिग्री है वो रेफरेंस है, 15 डिग्री से अगर आपको 1 डिग्री भी इंक्रीज करना है 1 ml वाटर का टेम्परेचर तो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी। इसको हम कहते हैं कैलरीज, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इज फेयरली लार्ज। तो फिर हम जो कैलोरी की जगह किलो कैलोरी का वर्ड यूज करते हैं, मतलब 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, ठीक है। तो अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कम कैलोरीज रिक्वायर होती है, कम हीट की जरूरत होती है, तो हम उसको कैलोरी से ही रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, तो इसके लिए भी हम किलो कैलोरी का जो है वो वर्ड यूज करते हैं, और इसको हम कैपिटल सी से जनरेट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास फूड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं उनमें फिर हम उसको किलो कैलरी स्मॉल के CAL से जनरेट करते हैं। इसके अलावा जौल भी जो है वो भी एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन वो मैकेनिकल वर्क में हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। आपने जो है फिजिक्स वगैरह में जौल का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा सुना होगा, तो जितना भी मैकेनिकल काम है वो उसके वो हम जॉल में मैयर करते हैं। और जो 1 किलो कैलरी है वो 4.184 किलो जॉल के इक्विवेलेंट होती है। तो आप अगर आप कुछ जॉल में भी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट कैलोरीमीट्री। डायरेक्ट कैलोरी ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ठीक है। डायरेक्ट कैलोरीमीट्री जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, और एक रूम टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है वो परमिट किया जाता है कि उस इंडिविजुअल को, क्योंकि वो एक्टिविटी जो भी उसकी हो रही होगी उसको हम मैयर करते हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है फिर उसको मैयर किया जाता है उस एक क्लोज कंटेनर के अंदर जिसको वो एक रूम बोल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री प्रोवाइड अ मेजर ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट बट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन ऑन द काइंड ऑफ फ्यूल बी ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है कि हीट तो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, वो भी हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन कौन सा जो फ्यूल है वो ऑक्सीडाइज होके हीट या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो गैस नहीं कर पाते कि वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या फैट है, या अल्कोहल है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है इसकी। एक और इसकी लिमिटेशन है कि ये जो है टेस्ट कन्फाइंड नेचर का है, और इसमें कंडीशंस होती हैं जिनको आपको देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है, एक रूम टाइप स्ट्रक्चर है, आपको उसी में रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जो फिजिकल एक्टिविटी चैम्बर में जो इन्वायरमेंट आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो वो भी बहुत लिमिटेड परफॉर्म कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बहुत कॉस्टली है और इसका जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री। इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री मोस्ट कॉमन यूज मेथड है एनर्जी एक्सपेंडिचर का। इसमें जो ऑक्सीजन कंजम्पशन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है उसको क्वान्टिफाई किया जाता है। वेयर इक्वेजन थी ये, मैंने नीचे दी हुई है वेयर इक्वेजन रेड में, मेटाबॉलिक पर डे का और मेटाबॉलिक पर मिनट की, ये उसका एक जो आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू थी। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 0.85 वो हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन कंजम्पशन को रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और ये इक्विपमेंट जो है वो वेरी करता है, लेकिन मतलब डिफरेंट तरह का हो सकता है, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल आप कह सकते हैं या मेथोडोलॉजी कह सकते हैं वो सेम है कि एक इंडिविजुअल को माउथ पीस के अंदर ब्रीद करना होता है, ठीक है, और उसके नोज के ऊपर क्लिप होता है कि वहां से वो सांस नहीं ले सकता, ठीक है। माउथ से उसको ब्रीद इन करना है और उसको जो है वेंटिलेटर हुड में जो है वो कैप्चर किया जाता है फॉर सम टाइम, और उसके अंदर फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको वो मैयर करते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री है ये हम अचीव करते हैं थ्रू द इक्विपमेंट कॉल्ड मेटाबॉलिक मेजरमेंट कार्ट और मोनिटर। डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, लार्जर इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंजम्पशन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो भी हो रही होती है वो आपके पल्मोनरी फंक्शन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है।
these larger cars are more expensive because of the expanded capabilities, including measurement interface for intact calorimetry, measurement of hospitalized patients who are ventilator dependent. मोस्टली जो वेंटिलेटर डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं उनके लिए ही ये रेकमेंड होता है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है और उनका जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के थ्रू जो है वो मैयत किया जा रहा होता है आईसीयू वाले पेशेंट्स में. इंडिविजुअल एंड पेशेंट हु आर स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग में हैव देयर एनर्जी एक्सपेंडिचर मैयत विद स्मॉलर हैंडल्ड इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर मयरिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन वाइल यूजिंग अ स्टैटिक वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट डिजाइन किए गए हैं जो इजी टू हैंडल होते हैं, जो इजी टू हैंडल होते हैं कि, और उनका क्या किया जाता है कि उनकी एक सेट वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की जो है वो स्टैटिक वैल्यू रख दी जाती है कॉन्स्टेंट वैल्यू, और जब ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसको मेजर किया जाता है तो उसके थ्रू जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं. ठीक है, वो फिर रिलेटिवली जो है वो इजी लो कॉस्ट होते हैं और इजी टू यूज होते हैं, पोर्टेबल होते हैं. एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है जब भी आप इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री को मेजर करते हैं. उसके लिए नॉर्मल हेल्दी पीपल जो होते हैं उनको 5 आवर फास्ट करना होता है आफ्टर मील, या उन्होंने कुछ भी खाया उसके 5 घंटे तक उन्हें कुछ नहीं खाना. कैफीन का इंटेक जो है वो 4 घंटे पहले किया हो. ठीक है, इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर हो. इसके अलावा जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आपने 2 घंटे उससे पहले की हो. ठीक है, और जो विगरस एक्सरसाइज है वो 14 आवर प्रायर जो है वो एडवाइज है. इसके अलावा स्टेडी स्टेट मेजरमेंट होती है ये, तो इसके लिए आपको स्टेडी स्टेट जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है. इसके लिए जो है वो 10 to 20 मिनट का रेस्ट पीरियड होता है. ठीक है, उस स्टेडी स्टेट इन्वायरमेंट में उस इंडिविजुअल को 10 से 20 मिनट का रेस्ट करवाया जाता है. जो फर्स्ट 10 मिनट्स हैं उनमें 5 मिनट जो हैं वो उसको कहते हैं कि वो रेस्ट करे, और जो रिमेनिंग 5 हैं वो जो है वो स्टेडी स्टेट इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए जो है वो रिक्वायर होता है. जब आप मेजरमेंट लेते हैं उन कंडीशन की आर मेट बाय स्टेडी स्टेट इज अचीव, फिर जितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ड्यूरिंग द डे वो उसको मेजर करते हैं. ठीक है, 20 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है इसमें जो 10 मिनट होते हैं उसमें 5 मिनट जो है वो क्या करते हैं उसको रेस्ट देते हैं, और जो नेक्स्ट 5 मिनट है उसमें उसको स्टेडी स्टेट इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सब चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद जो है वो उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर मेजर करना शुरू करते हैं. एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड फॉर इल और इंजर्ड इंडिविजुअल एज वेल. इक्विपमेंट यूज फॉर द पेशेंट हु इज वेंटिलेटर डिपेंडेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द यूज फॉर एम्बुलेटरी इंडिविजुअल. However, a protocol specifying the condition of measurement should be used for these patients as well. When these conditions are met, indirect calorimetry can be applied for measuring energy expenditure of acute or critically ill inpatient, outpatient, or healthy individuals. इसके बाद है respiratory quotient. Respiratory quotient जो होता है ये भी आप पढ़ चुके हो पहले कि जब आप oxygen consume करते हो तो obviously carbon dioxide production होती है, उसको आप measure करते हो. उस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो फिर फॉलोइंग इक्वेशन के थ्रू आप मेजर कर सकते हो, जिसमें है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. ठीक है, तो इसको ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के इक्वल होता है. कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो कहते हैं 1, और इसके अलावा जो है जो फैट्स हैं उनका होता है 0.7, प्रोटीन का 0.82, मिक्स डाइट जो है 0.85 जिसको हम रेफरेंस वैल्यू भी लेते हैं, और जो कीटोन प्रोडक्शन होती है वो लेस देन 0.65 इक्विवेलेंट और लेस देन. ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्रेटर देन 1 आर एसोसिएटेड विद नेट फैट सिंथेसिस, कार्बोहाइड इनटेक और टोटल कैलोरी इनटेक दैट इज एक्सेसिव, वेयर एज अ वेरी लो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मे बी सीन अंडर कंडीशन ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक. अब वो कह रहे हैं कि जब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो उसको हम एसोसिएट करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की रिक्वायर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी जो वैल्यू जो है वो बहुत इंक्रीज कर गई है इनटेक, और वो जो है अब कन्वर्ट होना शुरू हो गई है फैट में. ठीक है, तो ये वो लाइन जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. Although respiratory quotient has been used to determine the efficacy of nutrition support regimens for hospitalized patients,
मैकले फाउंड दैट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फेल टू कोरिलेट टू परसेंट कैलोरीज प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड इंडिकेटिंग लो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी दैट लिमिट द एफिकेसी ऑफ आरक्यू एज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। इस बात का मतलब ये है कि जो अक्सर हॉस्पिटल में जो है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को यूज किया जाता है, जो भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एनजी में या एंट्रल पारेंट्रल में, उसको एफिकेसी मैयर करने के लिए हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर डिटरमिन करते हैं। ठीक है कि आपने जो कार्बोहाइड्रेट है कितने लेने हैं, प्रोटीन कितने लेने हैं, स्पेसिफिकली जो आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उनमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि अगर, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम दिए जाते हैं ताकि, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वन है। तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो फेल है अगर आप अंडर फीडिंग या ओवर फीडिंग की कंडीशंस में हो। ठीक है, क्योंकि वो फिर स्पेसिफिसिटी और उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाती है कि वो एक्यूरेटली बता सके कितनी कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज आर क्यू एज अ मार्कर ऑफ टेस्ट वैलिडिटी। आर क्यू वैल्यूज आर एंड अ मार्कर ऑफ रेस्पिरेटरी टॉलरेंस ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट रेजिमेंट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप उसको जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट रेजिमेंट तक ही रखें, उसको फर्दर जो है वो यूज ना करें आम रूटीन में मुहैया करने के लिए। इसके अलावा डबली लेबल वाटर है। डब्ल्यू लेबल वाटर में क्या होता है, ये भी एक टेक्निक है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को मैयर करने के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, द मेथड वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ह्यूमन इन 1982 एंड सिंस दैट टाइम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ डेटाबेस दैट इज यूज्ड टू डेवलप रिकमेंडेशन फॉर एनर्जी इनटेक। डब्ल्यू लेबल मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम डिफरेंस इन एलिमिनेशन रेट्स ऑफ बॉडी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस जो डब्ल्यू लेबल वाटर का प्रिंसिपल था वो ये था कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो उन्होंने मेजर की थी ऑन द डिफरेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एन ओरल लोडिंग डोज ऑफ वाटर लेबल विद ड्यूट्रियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हेंस द टर्म डब्ल्यू लेबल वाटर 2H2O इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज वाटर and the H2O is eliminated as water and carbon dioxide. The elimination rate of two isotopes are measured for 10 to 14 days by periodic sampling of body water from urine, saliva or plasma. The difference between the two elimination rate is measured of carbon dioxide production. ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, एक सिंपल वाटर तो था ही था, दूसरा उन्होंने जो है डोज दिया था उनको ड्यूट्रियम ऑक्साइड का, ड्यूट्रियम ऑक्साइड मतलब हैवी वाटर का। तो जब उन्होंने यूरिन से, स्लाइवा से और प्लाज्मा से दोनों वाटर जब रिलीज हो रहे थे तो उनके डिफरेंस की बेस पे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर किया था। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कैन देन बी इक्वेटेड टू टीईई यूजिंग स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्रिक टेक्निक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। द डब्ल्यू लेबल वाटर टेक्निक हैज न्यूमरियस कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट इज अ यूजफुल मेथड फॉर मेजरिंग टीईई इन अ वेरियस पॉपुलेशन। फर्स्ट, इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट इनकॉर्पोरेट ऑल कंपोनेंट ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, जितने पीछे आपने मेथड पढ़े हैं उनमें आप ये चीजें मेजर नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो डब्ल्यू लेवल वाटर टेक्निक थी उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि आप उसमें चारों चीजें जो हैं वो मुहैया कर सकते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन इज इजी एंड द पर्सन इज एबल टू इंगेज इन टिपिकल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग थ्रू आउट द मेजरमेंट पीरियड। देयरफॉर द टेक्निक प्रोवाइड अ मेजर ऑफ पर्सन यूजुअल डेली टीईई व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर दोज सच एज इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट एंड डिसेबल इंडिविजुअल who cannot easily withstand the rigorous testing involved in the measurement of oxygen consumption during various activity. ये बात समझ आ गई है? जी मैम। डब्ल्यू लेवल वाटर आल्सो प्रोवाइड अ मेथड बाय विच मोर सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन बी वैलिडेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेथड इज एक्यूरेट एंड हैज अ प्रिसीजन ऑफ 2% to 8%। The doubly label water technique is clearly most applicable as research tool. The stable isotopes are expensive and expertise is required to operate the highly sophisticated and costly mass spectrometer
for the analysis of isotope enrichment. These advantages make the doubly labeled technique impractical for daily use by clinicians. However, doubly labeled water research studies have provided the data used to develop some prediction equation to estimate total energy expenditure. These equations should be used only as a guide or starting point, after which the person must be monitored closely. An intervention developed to promote optimal nutritional status. As with most equations, these apply to healthy individuals, not to those who are ill, injured, or require intensive care unit. अब वो ये कह रहा है कि उसके बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि जो आइसोटोप हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और दूसरा बहुत एक्सपर्टीज रिक्वायर है कि आप उनको मेजर कर सके थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक है, तो इस चीज़ ने इसको डेली यूज क्लिनिशियंस में जो है वो इम्प्रैक्टिकल कर दिया है. लेकिन रिसर्चिस में अक्सर लोग जो है वो इससे डिजाइन इक्वेशंस यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस. Next is measuring activity related energy expenditure. The caloric value of activity thermogenesis can be estimated by using doubly labeled water method in conjunction with indirect calorimetry. After the postprandial REE, postprandial क्या होता है? मैम खाने के बाद मैम आफ्टर मील After the postprandial resting energy expenditure has been measured using indirect calorimetry, an estimated activity thermogenesis can be determined by subtracting the postprandial resting energy expenditure from TEE that was measured using doubly labeled water. इसमें वो कह रहे हैं कि जो हम कैलोरिक वैल्यू है एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की वो भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग डबली लेबल वाटर टेक्निक और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री. जो पोस्टप्रांडियल आरई होता है उसको हम मेजर करते हैं आईसी से, और जो एस्टिमेटेड एटी है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय माइनस करके या सब्ट्रैक्ट करके पोस्टप्रांडियल आरई को फ्रॉम टोटल टीई. ठीक है, तो उससे फिर हम एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस फाइंड कर सकते हैं. ये तो पता है ना, मैथ करो प्लस माइनस इक्वेशन चेंज कर देंगे. टीई आरईई और एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है, आरईई में टीई में से आरईई माइनस करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस आ जाएगा. दिस मेथड इज जनरली यूज ओनली इन रिसर्च सेटिंग्स बट कैन बी यूज टू वैलिडेट अदर मोर प्रैक्टिकल एंड इजीली एडमिनिस्टर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग फिजिकल एक्टिविटी. ये सारे मेथड्स की जो परफॉर्म कैसे करते हैं आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें तो. देखनी तो चाहिए, बाकी आपकी मर्जी. यूनिएक्सियल मॉनिटर मेजर द डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट इन अ वर्टिकल प्लेन रिजेंबलिंग अ पेजर वॉन ऑन द हिप. द यूनिएक्सियल मॉनिटर इज अ पोर्टेबल डिवाइस डिजाइन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स टू एस्टिमेट एक्टिविटी रिलेटेड एनर्जी एक्सपेंडिचर. ये पोर्टेबल होता है, और जिस तरह आपने कभी देखा हो कैसे वो हिप के साथ जो है वो पेजर जो है वो अटैच किए, जैसा जैसे कि आप बेल्ट पहनते हैं. ठीक है, उसके ऊपर आप कोई डायलर रख दें, उस तरह का होता है, और जो है उसको उसके साथ अटैच किया जाता है, तो वो जो डेली की एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा होता है वो साथ साथ मॉनिटर कर रहा होता है. Among adults, the uniaxial monitor was found to be an effective tool for measuring energy expenditure when compared with doubly labeled water technique. It may be acceptable for estimate of activity-related energy expenditure in group of people, but it has limited use with individuals. A triaxial monitor has also been used to measure energy related to activity. It more efficiently measure multidimensional movement by employing three uniaxial monitor. In a review of numerous article found that a triaxial monitor correlated with energy expenditure measured using doubly labeled technique. Application of a easily accessible and usable monitor allow determination of real activity level and thereby reducing error related to over reporting or under reporting of actual energy expenditure for weight management. ठीक है, मैं ही आपको एक triaxial monitor दिखाऊं.
ये नजर आ रहा है? यस मैम, ऐसा होता है। ओके अच्छा, नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनेयर। अब डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनेयर भी यूज किए जाते हैं, ज्यादातर रिसर्च पर्पस के लिए यही यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक तो इनएक्सपेंसिव है और आप उनको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन लेते हो और उसकी बेस पे सेस करते हो कि उसने कितनी एक्टिविटी परफॉर्म की है। फर्स्ट वन इज 7 डे रिकॉल एंड येल फिजिकल एक्टिविटी सर्वे। अच्छा, अभी मैं आपको ये एक्टिविटी सर्वे दिखाती हूँ। ये है येल फिजिकल एक्टिविटी सर्वे। ठीक है, इसमें आप नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके रिकॉर्ड के लिए होता है। ठीक है, उसके लिए पहले आप जो है वो उस इंटरव्यूअर को समझाते हो कि उसने आपको कैसे बताना है। ठीक है, अब इसकी बेस पे आप उनसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हो, वो उसकी बेस पे जो है वो मैयर करते हैं कि उन्होंने कितने टाइम के लिए जो है वो शॉपिंग की है या कोई भी वर्क किया है, स्वीपिंग की है, हैवी हाउस वर्क की है, स्क्रबिंग की है, फूड प्रिपरेशन की है, सर्विंग की है, डिशिंग की है, वो सारी आप इधर वो मैयर लिखते जाते हो। ठीक है, और एंड के उस बाद उसका ये स्कोर मैयर करते हो आप। ठीक है, ये इंटेंस स्कोर आपको नजर आ रहा है और फिर उस स्कोर की बेस पे आप क्लासिफाई करते हो कि उसने जो है वो कितना वर्क किया है। ठीक है, ये हो गया आपका येल। इसके अलावा द बिग क्वेश्चनेयर एंड आर अडेप्टिव वर्जन ऑफ कॉमन कम्युनिटी हेल्थ स्टडी क्वेश्चनेयर आर यूजफुल डिटरमिनिंग वेदर अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल इज एक्टिव और इनएक्टिव। रिपोर्टिंग एरर आर कॉमन अमंग फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनेयर व्हिच कैन लीड टू डिस्पेरेंसीज बिटवीन कैलकुलेटेड एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड द डिटरमिन्ड बाय डब्ल्यू लेबर वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो हैं बहुत सारे एरर हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन हैं वो समटाइम ओवर रिपोर्टिंग करते हैं, समटाइम अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, समटाइम आप सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जो अगर आप उसको डब्ल्यू लेवल वाटर से मेयर करोगे या आप एक क्वेश्चनर फिल करोगे तो वो कह रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल दिस माई अकाउंट फॉर स्लोड वेट लॉस और गेन एंड एज सच नीड टू मॉडिफाई कैलोरिक इनटेक। इसके अलावा एक और क्वेश्चनर था मेरे पास, आई थिंक बेक क्वेश्चनर था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो हम फिजिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए जो है यूज करते हैं। उसमें फिर आप जो है ये पॉइंट्स हैं साइड पे, आपको देख नजर आ रहे होंगे, आप ये पॉइंट देते हो। ठीक है, आप उससे पूछते हो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, लो एक्टिविटी वाला, मॉडरेट एक्टिविटी वाला, हाई एक्टिविटी वाला है, उसकी बेस पे आप उसको 1, 3, 5 जो है वो पॉइंट करते हो। कितनी देर सिट करते हो उसकी बेस पे क्लासीफाई करते हो। इसी तरह हर चीज के ऊपर उनको नंबर देते हो। ठीक है, एंड पे जो भी आपका आता है नंबर उनको आप एड अप करते हो और उनको जो है वो इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हो। ठीक है, उसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करते हो कि उन्होंने हाई एक्टिविटी की है, मिडल एक्टिविटी की है या लो एक्टिविटी की है। ठीक है, ये था उनका वर्क इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट उन्होंने स्पोर्ट इंडेक्स रखा है कि अगर कोई एक्सरसाइज भी कर रहा है तो उसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे। ये ज़्यादातर आप उनके लिए रख सकते हो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ठीक है, उनके लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड वाला है लेयर इंडेक्स, उसमें आप उनका ये चीज मेयर करते हो और उसकी बेस पे उनको ग्रेडिंग करते हो। और लास्ट में जो है उनका आप इंडेक्स, लेयर इंडेक्स मेयर करते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करके। ठीक है, 6 - 0.4 फॉर टेलीफोन वॉचिंग प्लस सम 0.4 रिमेनिंग 3 आइटम्स। ठीक है, जितने भी आपके
इसको आपने एक्सक्लूड कर दिया अलग से और इन तीनों को आपने अलग कैलकुलेट किया, उनका टोटल करके इसमें लिखा, जो टाइम टेलीविजन वाला था वो यहाँ लिखा, और उसको फिर लास्ट में डिवाइड किया 4 से। फिर जो इंडेक्स आता है वो आपका लेयर इंडेक्स होता है। ये है स्पॉट इंडेक्स, ठीक है। आप सम करते हो फॉर ऑल 4 पैरामीटर और उन्हें डिवाइड करते हो 4 से, और ये हो गया आपका वर्क इंडेक्स वाला, ठीक है। इसकी बेस पे जो है वो आप एक्टिविटी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये जो क्वेश्चन यार है, ये आपने खुद सर्च किए हुए या ये है हमारे पास, मतलब होंगे हमें मिलेगा करने के लिए? नहीं, मैंने तो सर्च किए हैं, वो जो जो भी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप रिसर्च करते हो कि आप